हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है कि हम अपने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि हमारे क्या थे, भाग 4A में जोड़ा गया था। यह किसके अंतर्गत था? यह था आर्टिकल 51 के का के अंतर्गत। कब जोड़ा गया था इसको? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके तहत हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने संविधान में जोड़ा था, फंडामेंटल ड्यूटीज को। और ये किस किस देश के संविधान से आया था? USSR के, जैसे अब हम रूस के नाम से जानते हैं। यानी ये हमारे किससे लिया गया था? USSR के संविधान से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको पारित किया गया था और संविधान में भाग 4A के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत हमारा क्या 10 जब संशोधन जब शुरुआत में जोड़ा गया था तब हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो कितनी थी? 10 थी। लेकिन अब जब उसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया तो उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई, जिससे अब जो वर्तमान में हमारी जो संख्या है वह क्या है? 11। फंडामेंटल ड्यूटीज की जो संख्या है वह कितनी है? 11। तो चलिए, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भाग फाइव की, जिसमें जिसका नाम है संघ यानी यूनियन। आज हम भाग फाइव की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है संघ अर्थात यूनियन। इसमें जो आर्टिकल्स हैं, इसमें आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आर्टिकल की जो संख्या है वह 52 से लेकर 101 तक। यानी 52 से लेकर 101 तक जितने भी आर्टिकल हैं उसमें किसकी बात होगी? संघ की बात होगी। और ये हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण बातें इसमें आ जाती हैं। जैसे राष्ट्रपति को चुनाव क्या होता है, राष्ट्रपति के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, राज्यपाल के बारे में, मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री, जो भी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं वह सारी किस में आती हैं? इसी भाग फाइव के अंतर्गत आती हैं। तो ये भाग फाइव पढ़ना हमें बहुत ही जरूरी है। तो इसको हम देखते हैं, एक एक करके हम इसको देखेंगे और जल्दी हम ख़त्म कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देखें, 51 तक हम ख़त्म कर चुके हैं। 1 से लेकर 51 तक जो भी आर्टिकल्स थे हमने अच्छी तरह से ख़त्म किए। आज से हम क्या करेंगे? भाग पाँच को स्टार्ट करेंगे, यानी संघ को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आर्टिकल 52 को, फिर बढ़ेंगे आगे ऐसे। चलिए दोस्तों, तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 52 को देखते हैं। आर्टिकल 52 में बात की गई है राष्ट्रपति के पद के बारे में। राष्ट्रपति के पद की चर्चा किसमें? आर्टिकल 52 में। किसकी चर्चा है? राष्ट्रपति पद की चर्चा है आर्टिकल 12 में। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है जो राष्ट्रपति पद है वह देश का क्या है? औपचारिक प्रधान होता है। यानी जो राष्ट्रपति होता है वह क्या होता है? देश का औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान का मतलब होता है नाम मात्र के लिए, मतलब केवल नाम के लिए वह क्या है? प्रधान है, मतलब वास्तविक प्रधान कोई और है। तो इसको हम आगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो अभी तो केवल यह समझ लीजिए कि जो हमारा आर्टिकल 52 है उसमें किसकी चर्चा है? राष्ट्रपति पद की चर्चा है। और इसमें कहा गया है कि जो देश का राष्ट्रपति है वह देश का क्या है? औपचारिक प्रधान है। औपचारिक प्रधान का मतलब होता है नाम मात्र के लिए। अब इसका मतलब हम थोड़ा आगे जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा। तो नाम मात्र के लिए अब देख लेते हैं जो राष्ट्रपति पद है वह कहाँ से लिया गया है। तो राष्ट्रपति पद जो हमारे संविधान में लिया गया है वह लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया है। अब ब्रिटेन का जो महारानी है, यानी जो ब्रिटेन की महारानी है, उसी से को देखकर हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद लिया है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति में और ब्रिटेन की जो महारानी है वहाँ में थोड़ा सा अंतर है। अब क्या अंतर है उसको समझ लेते हैं। तो ब्रिटेन में जो सिस्टम है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला सिस्टम है। क्या है? ब्रिटेन में जो सिस्टम है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। अब इसको हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। तो संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है?
वहां की जो शासन प्रणाली है वह कैसी है, संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली है अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है। तो इसको क्या कहते हैं, अब इसको थोड़ा हम अपने जनरल भाषा में समझते हैं। तो संवैधानिक राजतंत्र मतलब क्या है, जैसा कि आप लोग देखें देखते हैं कि वहाँ की जो पहली महारानी थी वह कहती महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, दूसरी थी महारानी एलिजाबेथ टू जिसकी अभी हाल ही में सितंबर सन 2021 में मृत्यु हो गई। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद अभी उनका क्या, अभी उनके बेटे यानी चार्ल्स तृतीय का क्या हुआ था, सिंहासन पर मतलब उनका विराजमान किए थे वो। तो वहाँ पर क्या है, राजतंत्र कैसा है, यानी वहाँ पर जो राजा होता है वह क्या हो, वंशानुगत होता है, यानी मोनार्की सिस्टम यानी राजतंत्र में आता है, यानी वहाँ पर जो महारानी जो राज परिवार है वही वहाँ का महाराजा या महारानी बन सकता है। तो ऐसी ऐसे जहाँ पर राजा का राज हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनार्की सिस्टम कहते हैं अर्थात क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। और उसमें वहाँ पर ब्रिटेन में राजतंत्र तो है ही, कहाँ पर जब महारानी के समय में क्या हो जाता है राजतंत्र, लेकिन वहाँ पर एक संविधान भी है जिसके अंतर्गत वहाँ का प्रधानमंत्री होता है अर्थात उसे जनता द्वारा चुना जाता है। तो वहाँ पर दोनों ही प्रणाली है, वहाँ पर जो राजा का परिवार है वो वहाँ पर मतलब राजा है, वहाँ के लिए वो क्या है, नाम मात्र के लिए वहाँ पर राजा है, यानी वहाँ पर उसका सर्वोच्च पद उसको दिया गया है, उसको सभी सम्मान दिए जाते हैं। और जो संविधानिक है वो मतलब क्या है, वहाँ में प्रधानमंत्री होता है जो जनता द्वारा चुना जाता है। तो वहाँ का जो सिस्टम है वह कैसा, संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा अंतर है, हमारे भारत में क्या है, हमारे यहाँ पर जो ब्रिटेन को देखकर महारानी का पद हमारे यहाँ राष्ट्रपति के रूप में लाया गया है वह क्या है, वंशानुगत नहीं है, उसका चुनाव होता है उसको बदल जाता है, हर 5 साल में एक नया राष्ट्रपति हमारे यहाँ आ जाता है। वह हमारे यहाँ क्या है, वंशानुगत नहीं है, यानी हमारे यहाँ जो इंडिया में जो सिस्टम है वह कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक मतलब सत्ता हमारे यहाँ होती है, ना कि राजतंत्र। ठीक, तो ये हमारे यानी ब्रिटेन और भारत के बीच जो अंतर है वह यह है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, अब आगे देखेंगे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है कैसे होता है, ये सारी बातें हम आगे करेंगे। जबकि ब्रिटेन में जो महारानी का पद है या जो महाराजा का पद है उसके लिए कोई चुनाव नहीं होता है, वह कहता हूँ वंशानुगत होता है। चलिए अब देखें, आगे बढ़ते हैं, तो आगे आर्टिकल 53 देख लेते हैं। आर्टिकल 53 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका यानी जो हमारे सरकार की कार्यपालिका है उसका जो औपचारिक प्रधान है वह कौन है, राष्ट्रपति। यानी हमारे जो देश की कार्यपालिका है, कार्यपालिका उसका जो जो औपचारिक प्रधान है, औपचारिक प्रधान वह कौन है, राष्ट्रपति। ठीक, ये हमारे संविधान में लिखा है अर्थात कोई भी कार्य मतलब जब तक जो कोई भी कार्य होगा वह किसके अनुमति के होगा, राष्ट्रपति के अनुमति के, अर्थात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई कार्य होगा। ठीक, तो ये क्या है, राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है, लेकिन जो कार्यपालिका जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है, वास्तविक प्रधान वह कौन है, वह है प्रधानमंत्री। ठीक, अब जैसे हम इसको समझते हैं एक उदाहरण से, तो उदाहरण देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2019 में एक बिल पारित हुआ था CAA, तो उसको लेकर हम समझेंगे कि और जे राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान कैसे और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान कैसे है, अब समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो प्रधानमंत्री होता है वह मंत्रिमंडल का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और हम आगे मंत्रिमंडल की भी बात करेंगे। अभी केवल ये जान लीजिए कि मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रियों का समूह होता है, कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री और बाकी सारे मंत्री आते हैं। ठीक, तो CAA बिल पारित होगा कब, नवंबर में, सॉरी 2019 में, तो वह किसने के द्वारा, गृह मंत्री द्वारा हुआ था क्योंकि वो नागरिकता संबंधी था, और हमने पहले पढ़ चुके हैं सिटीजनशिप में कि जो नागरिकता संबंधी सभी कानून है वह गृह मंत्रालय बनाता है, तो CAA को किसने, गृह मंत्रालय के अंदर तैयार किया गया था।
तो गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? मंत्रिमंडल के अंतर्गत आ जाता है। और मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ये सारी बातें क्या, वो मंत्रिमंडल ने एक सीए कानून बनाया, ठीक। सीए कानून किसके पास लाया गया? प्रधानमंत्री के पास लाया गया। अब प्रधानमंत्री ने सारा जांच की, देखा, अब इसको पारित करने के लिए क्या हुआ, अब इसको पारित तो करना था। अब पारित बिना राष्ट्रपति के हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है, यानी उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी आदेश जारी नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के पास जब वो सीए बिल आया तो वह किसके हाथों, किसके पास गया? राष्ट्रपति के पास गया कि आप इस पर हस्ताक्षर कीजिए, फिर इसको क्या हुआ, संसद में पारित कर दिया जाएगा, संसद से पारित कर दिया जाएगा। तो जब राष्ट्रपति के पास इसको भेजा गया तो राष्ट्रपति ने क्या किया, इसको हस्ताक्षर किया। अब चाहे तो राष्ट्रपति इसको मना भी कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि राष्ट्रपति को इतनी शक्ति नहीं दी गई है कि वह किसी बिल को या किसी बिल को यानी किसी विधेयक को वह वापस कर दे। कि वापस कर सकता है तो किसके लिए? सुधार के लिए कर सकता है, वो भी कौन सा बीटू लगाकर, सस्पेंडिव बीटू यानी निलंबकारी बीटू का प्रयोग करके वह क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को सलाह देकर भेज सकता है कि आप इसमें कुछ सुधार कीजिए, फिर हम इसको हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन इसको खारिज नहीं कर सकता। और यदि फिर प्रधानमंत्री के पास आएगा, और यदि प्रधानमंत्री के पास यानी मंत्रिमंडल के पास आएगा और मंत्रिमंडल ने यदि कोई सुधार किया भी नहीं उसमें, और फिर दोबारा राष्ट्रपति के पास उसको हस्ताक्षर के लिए भेजा गया, तो तब यदि तब राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं होगा कि वह फिर से एक और बार उसको सुधार प्रस्ताव के रूप में वापस भेज सके। फिर उसको क्या करना है, राष्ट्रपति को उस बिल पर यानी सीएए पर उसको करना ही पड़ेगा, ठीक। अब तो वो पारित हो ही चुका है, लेकिन अभी हम उदाहरण के रूप में समझ रहे हैं, तो राष्ट्रपति को उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह दोबारा सुझाव के रूप में नहीं भेज सकता उसको। तो इसीलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है, देश का औपचारिक प्रधान होता है, या कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको मानना तो पड़ेगा प्रधानमंत्री की बात, क्योंकि वह किसी भी बिल या प्रस्ताव पर एक बार खारिज कर दोबारा भेज सकता है, लेकिन जब उसको दोबारा भेजा जाएगा तो उसको साइन करना ही पड़ेगा, यानी हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, और जो वास्तविक प्रधान होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कैसे होता है हमने एग्जाम्पल के रूप में समझ लिया। चलिए अब देख लेते हैं आर्टिकल 54, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उसको हम समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आर्टिकल 54। ये बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, यानी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छी तरह से विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। तो इसमें चर्चा की गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन की, राष्ट्रपति के निर्वाचन की, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, इसमें इसकी चर्चा की गई है। तो इसको हम समझते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि इसका चुनाव एकल संक्रमण आनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। एक बार फिर से देखते हैं, आर्टिकल 54 में कह रखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, तो अब कैसे होता है? तो इसमें लिखा है एकल संक्रमण, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमण आनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। अब इसको हम एक एक करके इसके शब्दों का मतलब हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आनुपातिक पद्धति, इसका क्या मतलब है आनुपातिक पद्धति। आनुपातिक पद्धति में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो भी उम्मीदवार होंगे, ठीक है, तो उनको क्या होगा, उनको जो वोट डाला जाएगा वो क्या डाला जाएगा, प्रियता क्रम में डाला जाएगा,
यानी सभी उम्मीदवारों को, सभी राष्ट्रपति उम्मीदवारों को बरीता क्रिम में मतदान किया जाता है, किया जाता है। जो आनुपातिक पद्धति है उसमें क्या होता है, सभी राष्ट्रपति उम्मीदवारों को बरीता क्रम में मतदान किया जाता है। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल वे में समझते हैं, तो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। मान लीजिए कि ए बी और सी तीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, ठीक। ए बी और सी तीनों क्या हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जो चाहते हैं मतलब जिन वो जो राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने दावेदारी की है, ठीक। तीन लोग ए बी और सी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। अब जो भी जो वोट डालने वाले होंगे यानी जो निर्वाचक मंडल होगा वह क्या करेगा, वोट डालेगा। अब उसमें क्या क्या रखा है, आनुमातिक पद्धति द्वारा होगा। तो आनुपातिक पद्धति में हमने देखा कि सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में, तो ऐसा नहीं है जैसे हमारे जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में होता है कि हम जितने जैसे तीन उम्मीदवार खड़े हैं तो हमें उसमें केवल एक बार एक ही को वोट डाल सकते हैं, एक ही वोट एक ही लोग को एक ही उम्मीदवार को हम वोट डाल सकते हैं। लेकिन जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति निर्वाचन में ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना होता है, इसमें जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको वरीयता क्रम में डालना पड़ता है कि हम इसको पहले नंबर पर यानी इसको प्रथम हमारी वरीयता है कि हम इसको राष्ट्रपति बनाएं, दूसरे नंबर पर इसको हम बनाएं, तीसरे नंबर को इसको बनाए, या दूसरे पर इसको बनाए, तीसरे को इस पर बनाए, एक पहले पर इसको बनाए। तो ऐसे ही हम इसको वरीयता क्रम में डालते हैं। तो चले देखें, जैसे मान लीजिए हमने इसको जो ए उम्मीदवार है उसको पहले नंबर पर एक वोटर ने क्या किया, एक नंबर दे दिया इसको, इसको तीन नंबर दे दिया, इसको दो नंबर दे दिया। अर्थात हम चाहते हैं कि सबसे पहले मतलब एक वोटर चाहता है कि हमारे हिसाब से जो ए नंबर का उम्मीदवार हो वह पहले प्रधान वो राष्ट्रपति बने, फिर ये तीन नंबर मतलब तीसरे श्रेणी में आए, ये दूसरे में आए, तो इसी प्रकार से इसमें वरीयता क्रम में देंगे। तो अब दूसरा वोटर आया, उसने इसको दो दे दिए, इसको इसने तीन दे दिए, ठीक, इसको दे दिया एक, ठीक। अब तीसरा आया, तीसरे ने इसको दो दे दिए, एक दे दिया, इसको दो दे दिए और इसको तीन दे दिया, ठीक। अब ऐसे ही जितने भी वोटर होंगे वह सभी मतदान करेंगे, ठीक। अब आगे चर्चा करेंगे कौन मतदान करता है उसके भी हम आगे देखें। अभी ये समझिए कि जो आनुपातिक पद्धति है वह क्या होती है, ठीक। ऐसे ही आगे आगे चल के सारी वोट सारे लोग वोट देंगे, तो कैसे देंगे, वरीयता क्रम में देंगे, ठीक। अब इसमें हम लोग देखेंगे अब क्या होता है, अब होती है प्रथम चरण की मतगणना। अब क्या होगी, प्रथम चरण की मतगणना, प्रथम चरण की मतगणना। अब प्रथम चरण की मतगणना में क्या होता है, प्रथम चरण की मतगणना में जो प्रथम वरीयता के यानी प्रथम वरीयता की जो वोटिंग होती है उनको ही गिना जाता है। जैसे जिन जिन को एक मिली उन्हीं को दिया जाता है, उन्हीं को गिना जाता है। अब जैसे हम एक को देखें तो इसको कितनी मिली, दो मिली, इसको एक मिला, इसको मिले ही नहीं, तो ये क्या होगा, जो बी है वो हट जाएगा, यानी जो बी उम्मीदवार है वो हार गया, ये जो बी उम्मीदवार है वह हार गया। अब जो सी है वह दूसरे नंबर पर, ये ए है वो पहले नंबर पर, तो जो ए उम्मीदवार है वह जीत जाएगा। तो ऐसी प्रथम चरण की स्थिति में क्या होगा, ए उम्मीदवार जीत गया, क्या होगा, ए उम्मीदवार जीत गया। क्यों जीत गया, क्योंकि इसको जो वोटर है इसको दो एक बार प्रथम वरीयता में रखा, इसको एक बार रखा, तो जो ए वाला है वह जीत गया। अब यहाँ पर ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है, आनुपातिक पद्धति में वरीयता क्रम में मतदान किया जाता है। अब यहाँ पर दूसरा शब्द है एकल संक्रमण। एकल संक्रमण क्या होता है, एकल संक्रमण में कुछ मतलब नहीं होता। एकल संक्रमण जो होता है कि जैसे हमने वरीयता क्रम में वोट दिए, अब जो सबसे कम वोट मिले जिसको, यानी अभी हमने देखा जो बी है इसको सबसे कम वोट मिले, तो इसके सारे वोट क्या होगा, जब यह जीत गया ना तो बी के सारे वोट ए के पास चले जाते हैं, यानी जो जीता होता है उसके पास सारे ही वोट क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एकल संक्रमण। जो हार जाता है व्यक्ति उम्मीदवार उसके जो सारे वोट होते हैं वह किसको, ए को मिल जाते हैं, यानी जो जीत गया है उसको मिल जाता है, ए को मिल जाएंगे, तो इसी को हम एकल संक्रमण कहते हैं।
अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हम जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है, वह क्या होता है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो आप लोग ये भी समझते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। गुप्त मतदान ऐसा है, जो भी वोटर यानी जो भी जनता द्वारा प्रतिनिधि हैं, वह इनमें जब प्रतिक्रम देते हैं, वह किसको कितने हमने नंबर में रखा, वह अपने आप ही अपने अंदर ही उसको किसी को बताते नहीं है, मतलब वोट हमने किसको कितना दिया, ठीक। तो इसे हम गुप्त मतदान कहते हैं, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन अर्थात एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। सारी चीज़ों का मतलब समझ गए, अनुपातिक पद्धति क्या होती है, एकल संक्रमण क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है, गुप्त मतदान क्या होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि आखिर जो राष्ट्रपति पद का हम निर्वाचन कर रहे हैं कौन लोग करते हैं, यानी जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वह कौन लोग हैं, उन वो कैसे करते हैं, हैं उन सभी की हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वह कौन कौन होता है, राष्ट्रपति पद राष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी कौन कौन लेता है, देख लेते हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो हम बात कर लें, बात कर रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति पद का जो चुनाव निर्वाचन है वह कौन करता है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं ये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कौन कौन है, सबसे पहले हम उनकी पहचान करते हैं। ठीक, ये हमारी संसद, ठीक, मान लेते हैं ये संसद है, ये है विधानमंडल, ठीक। अब संसद आप लोग जानते होंगे क्या है, विधानमंडल भी, ठीक है। अब देखेंगे हम इसको दो भागों में, आप लोग जानते हैं कि संसद में दो सदन होते हैं और विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं। संसद का जो पहला सदन लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, इसमें भी दो होते हैं, विधानसभा विधान परिषद होते हैं, ये राज्य सरकार के लिए होता है, ये केंद्र सरकार के लिए, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है 545 होती है, राज्यसभा में होती है 245। यहाँ भी विधानसभा में काफ़ी होते हैं क्योंकि हर राज्य की विधानसभा विधानमंडल अलग होता है, तो उनकी संख्या यदि हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर हम स्टेट लिख दे रहे हैं, यानी स्टेट कितने 28, यानी 28 विधानसभाएं हमारे देश में हैं और 6 विधान परिषद हैं हर, क्योंकि अभी तक मतलब जो हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, जो विधान परिषद हैं उनकी संख्या हर राज्य में नहीं है, तो यहाँ पर केवल विधान परिषदों की पूरी देश में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषदें हैं और 28 सभाएँ यहाँ विधानसभाएँ हैं, ठीक। अब लोकसभा की संख्या में जो सदस्यों की संख्या है वह 545 है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 में, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कौन से जो प्रतिनिधि हैं, यानी कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो जनता द्वारा चुने होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वह कहता है लोकसभा का चुनाव कहते हैं, लोकसभा द्वारा चुना जाता है, लोकसभा द्वारा प्रधानमंत्री को चुना जाता है। तो लोकसभा, तो हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या होता है, जनता वोट डालती है, तो लोकसभा में जितने भी प्रतिनिधि हैं वह क्या है, लोकसभा द्वारा चुने, यानी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो ये जो 545 हैं इनमें से सारे जो है जनता द्वारा नहीं चुने होते, इनमें से केवल 543 जनता द्वारा चुने होते हैं, इनमें से इनमें जो 545 होते हैं वह क्या होते हैं, जनता द्वारा चुने होते हैं, और जो दो होते हैं, जो इसके दो सदस्य होते हैं, बाकी दो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन इनको क्या किया जाता है, मनोनीति किया जाता है, किसके द्वारा इसको किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो इनमें से जो 543 हैं वह क्या होते हैं, जनता द्वारा चुने होते हैं, और जो दो सदस्य होते हैं वह क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी मनोनीत किया जाता है, ठीक। और यह क्या है, संसद में सांसद बैठते हैं, ये सब आप बात लोग जानते हैं, ठीक। तो दो सदस्य क्या है, एंग्लो इंडियन है जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और ये जो 543 हैं वह जनता द्वारा चुने होते हैं। और राज्यसभा में क्या होता है, ठीक,
राज्यसभा में 245 सांसद बैठते हैं, जो जिसमें से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ये भी क्या होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीति किस किस क्षेत्र में की जाते हैं, कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मनोनीत किया जाता है। ठीक, तो इनमें से 12 सदस्य क्या है, मनोनीत किए जाते हैं। और विधानसभा में तो काफ़ी सदस्य होते हैं, विधान मतलब हर राज्य की विधानमंडल अलग होता है, जिसमें विधानसभा होती है, विधान परिषद होता है, लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं होता है। और अभी तक केवल हमारे देश में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो संविधान में लिखा है उसमें बात कही गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा लोकसभा राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा एवं विधान परिषद लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। क्या क्या गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो हम इन सब में लोकसभा के मनोनीत सदस्य को हटा देंगे, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य को हटा देंगे, विधान परिषद के सदस्यों को हटा देंगे, तो वो सारे सदस्य हट जाएंगे और जो बाकी बचेंगे वो सारे ही क्या होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो अब यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर ये जो दो एंग्लो इंडियन सदस्य हैं जो मनोनीत किए गए थे राष्ट्रपति द्वारा, इनको हटा दिया जाएगा। तो लोकसभा से बचे हमारे 543, और यहाँ से भी 245 में से 12 सदस्यों को हटा दिया जाएगा क्योंकि ये मनोनीत हुए हैं। तो कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जो मनोनीत हुए हैं इनको भी हम हटा देंगे क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब चूंकि राष्ट्रपति ही इन्हें नियुक्त कर रहा है तो ये राष्ट्रपति निर्वाचन में कैसे भागीदारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं विधान परिषद, तो विधान परिषद के सदस्यों को इसलिए भाग नहीं लिया जाता क्योंकि जो विधान परिषद है वह प्रत्येक राज्य में नहीं है। हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से केवल 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। इसलिए हमारे देश के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए इन 6 को भी नहीं रखा जाता है, क्योंकि यदि जैसे विधानसभा हमारे यहाँ पूरे 28 हैं, 28 राज्य, 28 विधान परिषद हैं, यदि विधान परिषद भी 28 होते तो समान समान हो जाता तो इनको भी हम जगह देते, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये 28 विधानसभाएं नहीं है, यानी संपूर्ण संविधान परिषद नहीं है, इसलिए इन 6 को भी हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं लेते हैं। और यहाँ भी एक और बात आती है कि यदि कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य हो तो भी वह क्या कर सक तो भी वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार वह क्या है, विधानसभा के सदस्य न होकर किसके हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। तो इसलिए ये नीतीश कुमार क्या होते हैं, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में सहायता नहीं, भागीदारी नहीं करते। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार ने वोट नहीं डाला था, क्योंकि ये कहाँ से हैं सदस्य, विधान परिषद के सदस्य हैं, ना कि विधानसभा के। ठीक, तो ये वोट नहीं डाल सकते, यानी जो भी विधान परिषद का सदस्य होगा वह वोट नहीं डाल पाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर ली। तो क्या कहते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य एवं विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जैसे हमने देखा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, चूंकि यह विधान परिषद के सदस्य हैं इसलिए इन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं
भाग नहीं लेने दिया गया। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो एक एमएलए का वोट कितना होता है, क्योंकि हर राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू, यहाँ पर वोट एक नहीं होता, मतलब किसी एक एमएलए तो उसका एक वोट नहीं माना जाएगा, या एक एमपी उसका एक वोट नहीं माना जाएगा, उसको उस राज्य के हिसाब से दिया जाता है कि उस राज्य में एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो कितनी है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में वैल्यू देखी जाती है, यानी वोट की वैल्यू। तो वो राज्य के हिसाब से होता है, हर राज्य के एमएलए और एमपी के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। तो देख लेते हैं वो भी कैसे निकाली जाती है, उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम मतलब किसी मतलब राज्य के एमएलए के वोटों एमएलए के वोट की वैल्यू को निकालने से पहले सबसे हम पहले देख लेते हैं कि पूरे देश में कुल एमएलए की वोटों की वैल्यू कितनी है और एमपी के वोटों की वैल्यू कितनी है। तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश में कुल एमएलए, इसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, एमएलए के वोटों की वैल्यू। तो ये है हमारी, पूरे देश की बात कर रहे हैं, यह है 5,49,495। यह क्या है, एमएलए के वोटों की वैल्यू है 5,49,495। और पूरे देश में कुल एमपी एमपी के वोटों की वैल्यू ये कितनी है, 5,49,498। यानी यदि हम देखें तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कुल वोटों की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, 11 लाख, लगभग 11 लाख, लगभग क्या होती है, 11 लाख। यानी राष्ट्रपति चुनाव में जब लड़ता है तो उसकी जो वोट की वैल्यू कितनी हो, 11 लाख होती है। तो 5 लाख कुल एमएलए के वोटों की वैल्यू और 5,49,495, और कुल एमपी के वोटों की वैल्यू कितनी होती है, 5,49,498। अब हम देख लेते हैं कि एक एमएलए की मतलब किसी राज्य के एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, तो देखेंगे कि एक एमएलए की वैल्यू, ठीक, इसका जो सूत्र होता है वह होता है राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन की कुल एमएलए इंटू 1,000। ठीक, तो अब जैसे राज्य, हम एक राज्य के कोई एमएलए, जैसे हम यूपी के निकालें, यूपी के एक एमएलए की वोट वैल्यू, एक एमएलए की वोट वैल्यू हम निकालें, तो सूत्र में हम रखें राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है हमारी, यूपी के राज्य की, यूपी राज्य की जो जनसंख्या वह क्या है, 22 करोड़। ठीक, 22 करोड़, कुल एमएलए कितने, 403 इंटू 1,000। ठीक, इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 545 आएगा। आप लोग हल करके देख लेना क्या आएगा। तो यूपी में एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है, 545। और यह हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, आप लोग अपने अपने स्टेट की यहाँ पर राज्य की कुल जनसंख्या लिख के और एमएलए की कुल संख्या लिख के इसको हल करेंगे तो आपके राज्य के एक एमएलए की वोट वैल्यू आपको पता चल जाएगी। और ये वोट वैल्यू केवल राष्ट्रपति चुनाव के लिए ही होती है। ठीक, तो 545 क्या है हमारे यहाँ की, एक यूपी के एक एमएलए की वोट वैल्यू। अब इसको हम पूरे देखें, पूरे राज्य में एमएलए की वोट वैल्यू देख लें, तो 545 को 403 के साथ गुणा कर लूँ तो आ जाएगा 2,20,000। क्या आ जाएगा, 2,20,000। तो हमारे यूपी में जो कुल एमएलओ की वोट वैल्यू है वह कितनी है, 2,20,000। और पूरे देश में कुल एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है, 5,49,495। ठीक, तो लगभग आधी वोट वैल्यू हमारे ही केवल यूपी में, वो क्या है, जनसंख्या के आधार पर है,
क्योंकि हर सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो उसी हिसाब से वोट वैल्यू भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के MLA की है। इसी प्रकार हम MP की भी निकाल लेंगे, एक MP की वोट वैल्यू, ठीक, एक MP की वोट वैल्यू का सूत्र होता है कुल MLA की संख्या, देश में कुल MLA की वोट वैल्यू, वोट वैल्यू, ठीक, ये देश में कुल, इसमें जी क्या है, कुल MLA की वोट वैल्यू है, देश में कुल MLA की वोट वैल्यू और अपॉन में कुल MP, ठीक। अब एक MP बराबर हो जाएगा कुल MLA की वोट वैल्यू कितनी है, अभी हमने बताया था 549,495, ये क्या है पूरे देश की, और हमें यहाँ पर पूरे देश की लिखना पड़ा, ये तो केवल हमारे उसकी है UP की, ठीक। तो कुल कितनी है 549,495, और हम कुल MP लिखेंगे तो कितने हमारे मतलब यूपी में कितने यूपी के देखें, यूपी के वोट वैल्यू तो यूपी में 80 है, लोकसभा सदस्य कितने हैं यूपी में 80 है, ठीक। तो 80 से यहाँ पर हल करेंगे तो हमारे पास यूपी में यूपी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, नहीं जो सांसद है, उसके वोट वैल्यू हमें पता चल जाएगी। फिर 80 में हम क्या करेंगे, फिर हम और हर प्रत्येक राज्य की हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हर राज्य में लोकसभा सदस्यों की लोकसभा सांसदों की जो संख्या है वो अलग अलग होती है। हमारी यूपी में 80 है और बिहार में शायद 40 है ऐसी कुछ, तो हर राज्य की अलग अलग यहाँ पर वोट वैल्यू निकल कर आएगी। ये थी हमारे मतलब वोट कैसे निकाले, मतलब वोट वैल्यू किसी MLA की वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सारी सूत्र थे। अब हम देख लेते हैं एक और महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है उसको क्या होता है, RBI के पास जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमानत दी जाती है, मतलब चुनाव लड़ने के लिए जमानत दी जाती है। किसको देता है, RBI, कौन देता है, जो क्या होता है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है वो RBI को 15,000 रुपये क्या देता है, जमानत के तौर पर देता है, तभी वह चुनाव में लड़ पाता है, ठीक। अब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसको कुल वोटों की लगभग एक बटा छः वोट यदि उसके नहीं आते हैं चुनाव में, तो जो उसकी जमानत है वह क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। RBI उस जमानत को क्या कर लेता है, जब्त करता है, अर्थात वापस नहीं करता है। इससे क्या होता है, इससे राष्ट्रपति मतलब पद के जो उम्मीदवार है उसकी सम्मान में हानि होती है, यानी वो अपमानित होता है, उसको रुपए में ज़्यादा हानि नहीं होती लेकिन अपमान में हानि होती है कि वह 1/6 यानी 11,00,000 वोटों का 11,00,000 वोटों का 1/6 भाग भी नहीं ला पाए। तो यहाँ पर ये एक और महत्वपूर्ण बात थी कि जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है उसको जमानत के लिए 15,000 रुपये देने पड़ते हैं, किसको, RBI को देने पड़ते हैं, और उसको चुनाव में कम से कम 1/6 भाग लाना पड़ेगा 11,00,000 में से, नहीं तो उसकी जो जमानत है वह क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन देख चुके हैं कि किस प्रकार होता है। अभी हमने अपन लोगों ने अभी कंप्लीट किया आर्टिकल 52, 53, 54, इसमें राष्ट्रपति पद की चर्चा, इसमें क्या था कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान वास्तविक प्रधान की बात थी, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात थी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने अगले लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।